तो नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे कलेक्टर का जातिगत कैरेक्टर। तो मध्य प्रदेश में आ गया है मौसम चुनाव का और सियासी मौसम का हर कोई फायदा उठाना चाहता है। कहावत तो सुनी ही होगी आपने कि लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मार देना ठीक होता है। तो मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर सियासत शबाब पर है और सियासत को का लोहा भी जो है वो गर्म है। तो मौके का फायदा उठाने के लिए प्रेशर ग्रुप सक्रिय हो उठे हैं। मतलब जिसे भी लग रहा है कि वो सरकार पर दबाव बनाकर अपनी मांग पूरी करवा सकते हैं, वो सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं। वो सरकार पर दबाव डालने में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं, भले ही ये बेसिर पैर की ही क्यों ना। एक ऐसी ही मांग मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी और कर्मचारी संघ ने सरकार के सामने रखती है। मांग ये है कि मध्य प्रदेश के कम 40% जिलों में अनुसूचित जाति जनजाति के यानी कि SC ST वर्ग के कलेक्टर रखे जाएं। तर्क ये दिया गया कि मध्य प्रदेश की लगभग 40% आबादी इस वर्ग की है, इसलिए उसी के अनुपात में इस वर्ग को प्रशासनिक प्रतिनिधित्व भी मिलना चाहिए। पत्र लिखने वालों ने कहा है कि दूसरे वर्ग के कलेक्टर इस वर्ग की मूलभूत आवश्यकताओं और इनके हित में लागू शासन की हितकारी योजनाओं का ध्यान नहीं रखते, इसलिए ATSC वर्ग के लोग आजादी के 70 साल बाद विकास की मुख्य धारा में नहीं आ पाए। पत्र में और तमाम बातें कही गई, मसलन मध्य प्रदेश का समग्र विकास इसलिए नहीं हो पाया, यहाँ की 40% SC ST आबादी विकास के मामले में पीछे है। पत्र में ये भी कहा गया कि मध्य प्रदेश में 53 जिले हैं, इनमें महज 2 ऐसी सीटें हैं जहां ST SC वर्ग के कलेक्टर हैं जो इस वर्ग के साथ अन्याय है। आपको बता दें, ये पहला मामला नहीं है जब प्रदेश के प्रशासनिक जगत में जातिवाद की एक गूंज सुनाई पड़ी हो। इससे पहले भी रमेश थेटे और डॉक्टर शशि कर्णावत जैसे अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप आज लग चुके हैं, उन पर भी गाज गिरी, तो इन्होंने जातिवाद को ही कवच बनाया था। आज हम अपने कार्यक्रम में इसी मामले पर चर्चा करेंगे कि प्रशासनिक तंत्र और खासकर कलेक्टर जैसे अहम पद के कैरेक्टर से जाति को जोड़ना कहाँ तक जायज है और आखिर इसके मायने क्या है। ये सवाल इसलिए भी कि प्रशासनिक अधिकारियों की जो नैतिक संहिता है उसी में प्रावधान है कि संविधान की प्रस्तावना में शामिल आदर्शों के प्रति निष्ठा रखते हुए सभी तरह के सामाजिक विभेदों से दूरी बनाए रखें, तटस्थ होकर और निष्पक्ष होकर प्रत्येक मामले को केवल गुण और अवगुण के आधार पर देखें। किसी राजनीतिक दल के प्रति अगर सार्वजनिक निष्ठा है भी तो उसे सामने नहीं रखें, यानी अपने कार्य में इसे व्यक्त ना होने दें। देश के सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान का भाव रखें और सबसे अहम ये कि लिंग जाति वर्ग या अन्य कारणों से वंचित लोगों के प्रति करुणा का भाव रखकर अपना उत्तरदायित्व पारदर्शिता के साथ पूरा करें। तो ये मामला सुर्खियां बटोर रहा है क्योंकि ये मामला ऐसे वक्त पर उठा है जब मध्य प्रदेश में प्रदेश महासचिव अजाक से गौतम पाटिल जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। गौतम पाटिल जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। थैंक यू मैडम, नमस्कार। गौतम पाटिल जी, ये मैटर जो मैं अभी अपने दर्शकों को बता चुकी हूँ, आपको पता ही है, आप लोगों की तरफ से ये डिमांड उठी है, इसका तर्क मैं जानना चाहूंगी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि क्यों ऐसा चाहते हैं कि 40% आबादी है तो उतना ही प्रतिनिधित्व SC ST वर्ग के कलेक्टर होने चाहिए प्रदेश में, क्यों सर? मैडम, ऐसा है कि 53 जिलों में केवल 2 जिलों में SC ST के कलेक्टर है जी। क्या SC ST के कलेक्टर क्या IAS की परीक्षा पास करके नहीं आते? इस प्रदेश में SC ST का 40% है और हम देखिए कि जो मूलभूत आवश्यकता जो होती है लोगों की, जो जिले की जो कलेक्टर जो कंडक्ट करते हैं, जो जो हमारे SC ST वर्ग की जो मूलभूत यानी समस्या जो है जिले के अंदर की, जो शासन की हितकारी नियम है उसको लगाने में, उसको यानी लोगों के बीच में लगाने के लिए जो सामान्य वर्ग के कलेक्टर रखते, हमने महसूस किया कि वो रुचि नहीं रखते इसके लिए और रखते भी तो बहुत कम। इससे क्या होता है कि हमारे लोगों का जो मूलभूत समस्या दूर करने में समुचित निर्णय नहीं होते तो ये योजना का लाभ हमारे लोगों को नहीं मिलता। जब हमारे लोग 40% प्रदेश में है तो हमारे क्या 2 ही कलेक्टर होना चाहिए क्या 53 जिलों में? बता
गौतम पाटिल जी, एक तो ये कि प्रशासनिक अधिकारियों को या प्रशासनिक तंत्र में बैठे लोगों को उनको जातिगत तरीके से बांटना आपको कितना सही लगता है? दूसरा ये कि आप क्या कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि सामान्य वर्ग का कोई कलेक्टर हो और उसने किसी तरह का भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया हो? नहीं नहीं, मैं आपको बताता रहा हूँ। अभी पन्ना कलेक्टर ने ये जूनियर बीएसडी को, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, उनको जूनियर को नियुक्त किया, जबकि हमारे सीनियर रखे थे। तो ऐसा कई जिले में होता है। हमने समय समय पर कलेक्टर शासन को लिखते भी रहते, जो जो जिस जिस जिले में ये घटनाएं होती है। सर, ऐसे भाई मैं आपसे पूछ रही हूँ, ऐसे महत्वपूर्ण पद जो कि कलेक्टर के, जिस पद को लेकर हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर उसकी काबिलियत देखनी चाहिए, उसका काम देखना चाहिए, आप कह रहे हैं उसकी जाति देखिए? मैं जाति देखने की बात नहीं कर रहा, मैं वर्ग की बात कर रहा हूँ। कि इतने जब एससी एसटी के लोग जब इस आरक्षण आधार पर आते हैं तो इस वर्ग के लोग प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए उनको? बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन आप 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 ये कहना चाह रहे हैं कि जाति के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए कलेक्टर के पद पर? जिस वर्ग के एससी एसटी के वर्ग के हिसाब से जो लोग 40% है, क्या उनका प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए उतना? तो ये तो सर हमारे संविधान में सारी चीजें हैं ना। क्या संविधान में ये लिखा है कि इनको इस तरह से क्यों देख रहे हैं कि 40% आबादी, क्योंकि अगर 100% आबादी अगर होती तो क्या सारी आप चाहते कि उसी वर्ग के कलेक्टर बैठे? 100% होती तो वही लोग रहते ना सर, फिर क्या है 100%? तो इस वर्ग हम इसीलिए तो मैडम ये वर्ग कहीं ना कहीं पीछे रहा, इनको अवसर नहीं मिला, इनको अवसर मिलना चाहिए, हमारा उद्देश्य ये है। जब इसीलिए तो जातिगत आरक्षण इसीलिए तो लागू हुआ ना, कि इनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला, इनको आगे आने नहीं दिया, इसीलिए मिला ना। जो संविधान में जो प्रावधान किया इसीलिए किया कि इनका प्रतिनिधित्व हर जगह होना चाहिए करके। आज समस्त वर्ग आज महिला आरक्षण की बात क्यों हो रही? उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलता इसलिए हो रही कि नहीं, आप बताइए। वही तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ ना सर, कि इतना महत्वपूर्ण पद है, ऐसे में आप नहीं चाहते कि अगर जो अधिकारी है उसका काम नहीं देखा जाए, उसने क्या काम किया, किस तरह से उसने जगहों को संभाला है, काम को संभाला है? काम देखते, लेकिन हमको भेदभाव नजर आता है ना। और क्यों आपको ऐसा लगता है कि भेदभाव, जबकि संविधान की प्रस्तावना में ये तमाम चीजें शामिल है, उन्हें पहले शपथ दिलवाई जाती है तमाम चीजों की, उसके बाद वो अपना काम शुरू करते हैं? चलिए मैं आपके पास लौटती हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ। गौतम जी, वीना गांडेकर जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं, सपा से जुड़ी हुई हैं आप। वीना जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका आनादी टीवी में। जी वीना मैडम, आप सुन रहे होंगे गौतम पाटिल जी को हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 40% आबादी है तो कलेक्टरों की तादाद ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम उस हिसाब से कलेक्टरों की तादाद हो जितनी आबादी है एस सी एस टी वर्ग की, आप इसे कैसे देखती हैं? जी वास्तव में देखा जाए तो प्रशासन के उच्च पदों में अभी जातिवादी भावना का प्रवेश नहीं हुआ है। यहाँ कलेक्टर, कमिश्नर, सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव सभी बड़ी निष्पक्षता से और निष्ठा से कार्य करते हैं और सद्भावना और सदाशयता से कार्य करते हैं, चूंकि मैं भी कलेक्टर और कमिश्नर रह चुके हूँ। किंतु देखने में यह आ रहा है कि अजाक्स के पदाधिकारी कभी कमलनाथ जी को तो कभी शिवराज सिंह जी की चाटुकारिता करते रहते हैं। प्रदेश का राजनीतिक माहौल भी जिसने जातिवादी राजनीति से कलुषित होता जा रहा है, और वैसे मेरा अब ये मत होता जा रहा है कि अजाक्स ने 40% तो बहुत कम मांग की है, उन्हें तो कलेक्टर कमिश्नर पदों पर 80% की मांग करनी थी। यही नहीं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जितने भी कैबिनेट में मंत्रीगण है ना, उनमें एससी एसटी के लिए 80% मंत्रिमंडल में मांग करनी थी, सेना में भी 80%, डॉक्टरी में भी, विधानसभा में भी 80%, लोकसभा में भी 80%, ताकि आरक्षण ही कर दिया जाएगा तो सब एक साथ उठ जाएंगे और भारत देश भी अब दुनिया की नजरों से उठ जाएगा, क्योंकि यहाँ योग्यता और पात्रता तो देखनी नहीं है ना। जब एट्रोसिटी एक्ट में गैर जमानती बनाना हो, गुर्जर, मराठा, जाट, पटेलों को आरक्षण देना हो, तो एससी एसटी के अलावा भी बाकी सारे जितने भी सांसद और विधायक हैं सब एकमत होकर आरक्षण का बिगुल बजाते थे, देखते ही नहीं है कि उनकी कलाड़ी उन्हीं के पैरों पर पड़ रही है। इसलिए मेरा तो ये अभिमत है कि उनको ऊपर उठाना ही देश का एकमात्र और एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। और सपाक्स तो वैसे भी जातिगत आरक्षण में विश्वास नहीं करता, उसकी तो बात ही बात जो है वो नक्कार खाने में तूती की आवाज की तरह हो रही है। तो जितने भी एससी एसटी के अलावा सांसद विधायक है वो भी अपना सब पद छोड़ दें और एससी एसटी को 80% भर दिया जाए तो देश का उद्धार बहुत ही जल्दी हो जाएगा।
ऐसा मीरा मेरा जी, भी एक मत है। सवाल जो उठकर सामने आ रहा है, क्योंकि इस वक्त मध्य प्रदेश में राजनीतिक माहौल है, 27 सीटों पर उपचुनाव होने, 28 हो गई अब तो, और ऐसे में जी हमने देखा था पिछली बार भी इस तरह के मुद्दे सामने आए थे, फिर वो सवर्ण आरक्षण लेकर उठा हो सामने, और फिर जब हमने देखा भारत बंद का ऐलान, आपको लगता जी है ऐसे समय पर ये मुद्दे क्यों निकल कर सामने आ रहे हैं? सवाल मेरा दोनों से होगा, पहले वीना जी इसका जवाब आप दीजिए कि ऐसे समय पर ये मुद्दा क्यों निकल कर सामने आ रहा है, इसे निकाला जा रहा है, बनाया जा रहा है, क्या लगता है आपको? जबरदस्ती बना रहे हैं, जबरदस्ती देश को, जाति को, समाज को खंड खंड करके एससी एसटी और अन्यों में बांट रहे हैं जबरदस्ती, जबकि ऐसी सद्भावना का माहौल बिगाड़ने का इनको कोई अधिकार नहीं है। क्यों गौतम पाटिल जी, आपको ऐसा लगता है कि ऐसे समय पर इस मुद्दे को लाना ठीक है और ये मुद्दा वाकई आप लोगों की तरफ से उठा है? ऐसा है कि हम लोग कोई आज नहीं उठा रहे हो, हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मैडम राजनीति में अच्छी बात है, ये पहली बार ही उठा है सर कि 40% नहीं, नहीं, अगर हमने इसके आबादी है पहले तो कलेक्टर भी। हमने आप आपको आपके ध्यान में पहली बार आया होगा, हम समय समय पर उठाते रहे, हमें कोई मतलब नहीं कि कोई कमलनाथ मुख्यमंत्री बने जी, शिवराज सिंह जी बने, हम तो जो जो हमारा हमारा मुख्यमंत्री रहेगा उसकी बात करते हैं। वीना जी और हमारे आप बोल सकते हैं, वीना जी आपको काउंटर दे रही है शायद, वीना जी क्या कह रही है? नहीं हेलो, ऐसे इतने इतने तो ये बिल्कुल पाक साफ नहीं है। देखिए फिर मैं बता रही हूँ, कलेक्टर कमिश्नर के पदों पे क्यों नजर है, सेना में क्यों नहीं कहते कि 80% हमारे सैनिक होने चाहिए, देश की रक्षा में सबसे अग्रिम पंक्ति में हमारे होंगे, बोले ही ठीक है। हम सब जगह मांग करते मैडम, सब जगह मांग, सभी जगह मांग करते, आपके आपके मांग कर लीजिए ना, आपके ध्यान में नहीं होगा। सेना में 100% क्यों करेंगे हम, जो 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 है वही नहीं मिल रहा तो हम 100% की क्यों बात करेंगे? प्रतिभा में विश्वास क्यों नहीं है गौतम जी, प्रतिभा में विश्वास क्यों नहीं है? नहीं मैडम, चुनाव चुनाव की चुनाव से कोई मतलब नहीं, ना चुनाव मांगेंगे, हम तो हमेशा ही लिखते हैं, आपके ध्यान में नहीं आऊंगा, हम तो हमेशा ही इस बात को उठाते हैं। एससी एसटी की तो पड़ी नहीं है, नहीं गरीब एससी एसटी आप आपके, अरे आपको भाई केवल मंत्री चाहिए, संतरी चाहिए, कलेक्टर चाहिए, कमिश्नर चाहिए, ऐसा है कि कभी जो गांव गांव जाके देखा है कि जो वास्तविक एसटी के लोग वास्तव में आपको बता रहा हूँ ना, 53 में 2 कलेक्टर, ये कहाँ का प्रतिनिधित्व है बताए ना आप? अरे काहे के आप क्यों दोही रहे, उनकी योग्यता और पात्रता क्यों है? क्या योग्यता, हमारे कलेक्टर पर आईएएस बन के नहीं आते क्या? हमारे कलेक्टर आईएएस बन के नहीं आते? हम लोग कभी या जातिवादी की बात करते ही नहीं है नंबर, क्यों नहीं कर, जातिवाद के आधार पर तो खड़ा किया आप लोगों ने, जातिवाद के आधार पर तो खड़े हो, जातिवाद अगर जाति मैडम जाति खत्म करो पहले ना, तब तो आरक्षण खत्म करो। आप तो बोलते मेरी जाति ऊंचे रहना चाहिए, हम ऊंचे रहना चाहिए, जाति क्यों नहीं खत्म करते आप? कौन कहता है? आप कहते हो ना गरीबों के लिए करो, गरीबों के लिए तो बाकी प्रशासनिक नौकरियों को कम से कम सरकारी काम करने वाले जो तंत्र हैं, जिनके हाथों में शहर को जिले को चलाने की जिम्मेदारी होती है, उसे कम से कम जाति में बांटना कहाँ तक ठीक है? यहाँ प्रतिभा को नहीं देखना चाहिए? आपको ऐसा क्यों लगता है पाटिल साहब कि 53 में से सिर्फ 2 ही कलेक्टर हैं, ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है? आप प्रतिभा पर विश्वास नहीं रखते? आपको लगता है कि प्रतिभा, कलेक्टरों का चयन तो हमारी प्रतिभा नहीं क्या? हमारी प्रतिभा नहीं क्या? से नहीं होता होगा? हमारे हमारे लोग क्या हमेशा लूप लाइन में रहेंगे क्या? कहाँ है सर, कहाँ है आपको? अरे तो मैं बोल 53 में से 2 कलेक्टर, ये कहाँ का प्रतिनिधित्व है बताओ ना? ये हमेशा से ऐसा ही थोड़ी ना हो रहा है। सुनिए आप दिग्विजय सिंह जी के समय, मैं दिग्विजय सिंह भी जानता हूँ, उनके समय भी कमिश्नर कोई सौ नहीं थे, कोई कोई कभी सो नहीं रहे मैडम। अरे झूठ क्या मैडम, मैडम मैं आपको भी जानता हूँ, मैडम आपको भी जानता हूँ, मैडम मैं आपको भी जानता हूँ, ऐसी ऐसी बात नहीं, आपको भी जानता हूँ मैं, अरे मैडम आपको भी जानता हूँ, ऐसी बात नहीं, जातिवाद घुसा रहे सब, अरे मैडम आपको भी जानता हूँ, अपवित्र कर रहे आपको, ये लगता है अपवित्र की जिनको अधिकार नहीं मिलेगा वो तो मांगेगा अधिकार ना? कौन सा अधिकार है? ये संविधान, संविधान में जो लिखा है वही बात करेंगे ना प्रतिनिधि? जनता की सेवा करना ये अधिकार नहीं है, ये कर्तव्य है। अरे कर्तव्य तो ये कर्तव्य तो करने दोगे तब ना कर्तव्य है, करने दोगे तब ना, जब करने का अवसर नहीं दोगे तो क्या कर्तव्य रहेंगे? अरे सबको अवसर मिले हैं, किसको अवसर नहीं मिला है? आप हाँ? कभी कैडर की पूरा उठा के देखिए किसको अवसर नहीं मिला? मैडम हमको मालूम है कि हम जानते हैं, आपको भी जानते हैं मैडम, ऐसा नहीं, मैं यही प्रदेश में रहे, यही प्रदेश अधिकारी कर्मचारी को करता, आप भी अधिकारी रहे, हम सब जानते हैं कितने नियम बने कितने। पर्सनली आप इस टॉपिक को दोनों एक दूसरे के ऊपर ना लें, मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूँ
किसका फोन डिस्कनेक्ट हुआ? वीना जी हमारे साथ बनी हुई है। चलिए पाटिल जी बने हुए, तो अपनी अपनी बात दोनों ने रखी, लेकिन सवाल यही निकल कर सामने आता है कि आखिर प्रशासनिक अधिकारियों की अधिकारियों के पद को इस तरह से जातिगत तौर पर बांटना कितना सही कितना गलत, क्योंकि ये ऐसा पद होता है जिसके हाथ में, कलेक्टर के हाथ में कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना होता है। तो क्या यहाँ प्रतिभा नहीं देखी जानी चाहिए? और ऐसा वक्त जब चुनावी समय है, कौन इस मुद्दे को हवा दे रहा है और क्यों इस मुद्दे को हवा दी जा रही है? आपको याद होगा विधानसभा चुनाव 2018 की हम बात कर रहे हैं, शिवराज जी सभाएं ले रहे थे, एक बयान उनका निकल कर सामने आया था जिसके बाद सवर्ण आरक्षण हमने देखा और उसके पहले हमने भारत बंद भी देखा, दलित आंदोलन भी देखा। अब जब ये सारी चीज़ें मध्य प्रदेश देख चुका है और उसके बाद एक बार फिर उपचुनाव है, सरकार गिरने और बनने का सवाल उठ पड़ा है, तब ऐसा ये मुद्दा क्यों निकल कर एक बार फिर सामने आया है? इसको लेकर शक की सुइयां दोबारा खड़ी हो गई हैं और सामने दिखाई देने लगी, यानी सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि आखिर क्यों SC ST वर्ग को अपेक्षित किया जा रहा है जबकि ऐसा है नहीं। कलेक्टर का पद, जहां पर प्रतिभा को, कलेक्टर के टैलेंट को, क्या उस पद के साथ वो उनका जो टैलेंट है, उनका जो काम है, वो निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे, तमाम चीज़ों को देखकर उन्हें नियुक्त किया जाता है। इनफैक्ट जो बड़े ज़िले हैं उसके हिसाब से उन कलेक्टर में उतनी क्षमता है कि वो बड़े ज़िलों को संभाल पाएंगे या नहीं, ये भी देखा जाता है। और अब जब मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी और कर्मचारी संघ ने इस तरह की मांगों को सामने रखा है, तो अब इन पर सवाल जवाब फिर से शुरू हो गए हैं। वीना जी और पाटिल जी हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर बने हुए हैं। वीना जी, आपका कहना है कि आपके कार्यकाल के समय पर भी कई सारे ऐसे अधिकारी कर्मचारी थे जो SC ST वर्ग से थे, आप वो बात कंप्लीट करिए। वीना जी सुन पा रही हैं आप मुझे? हेलो वीना मैडम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सुन पा रही हूँ जी। आपके कार्यकाल के समय पर आपने बताया कि थे कर्मचारी अधिकारी SC ST वर्ग से भी, क्या उस बात को कंप्लीट कीजिए आप। पाटिल साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं जी। आपने कहा मैम आपके कार्यकाल के समय भी कई सारे अधिकारी कर्मचारी SC ST वर्ग से थे, ये अभी एक ही साल ऐसा नहीं है जब आप, जब पाटिल जी काउंट करें कि 53 में से सिर्फ दो ही ऐसे कलेक्टर हैं, जगह है जहाँ पर दो कलेक्टर SC ST वर्ग से हैं। जी जी मैं बता रही हूँ, दिग्विजय सिंह जी के समय कलेक्टर और कमिश्नर 80-90% से ज्यादा SC ST वर्ग के ही थे। मैं अधिकारी कर्मचारियों की बात नहीं कर रही जी। और अभी भी मंत्रालय में 70-80% जो है वो SC ST के कर्मचारी ही काम कर रहे हैं, क्योंकि सारा बैकलॉग निकाल लिया। और 15-20 साल से अभी सवर्णों की या सामान्य जाति की भर्तियां ही नहीं हो रही है, पिछड़ी जाति की भर्तियां ही नहीं हो रही है जी। चलिए पाटिल जी इसका जवाब दीजिए, अभी आंकड़े सर गलत नहीं है। पाटिल जी, गौतम पाटिल जी सुन पा रहे हैं? गौतम पाटिल जी को आवाज नहीं मिल रही है? चलिए लगता है आवाज नहीं मिल रही। वीना जी आपको क्या लगता है आगे ये जो बात है, ये जो लड़ाई है, ये कहां तक पहुंचेगी? ये सिर्फ ये लड़ाई हाँ। हमको वर्ग संघर्ष, अभी आप आगे देखिए ना, जब बेरोजगारी फैलेगी ना, बुरी तरह फैली रही है जी, और भी फैलेगी ना, तो इन्होंने तो मध्यम और लघु उद्योगों में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी है कमलनाथ जी ने। ये आरक्षण कहाँ तक जाएगा? चलिए वीना जी के बात इनकम्प्लीट रह गई, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। तो वीना जी बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की, समय दिया। गौतम पाटिल जी भी हमारे साथ जुड़े महासचिव अजाक से, उनका भी शुक्रिया, हमें समय दिया, हमसे बातचीत की। तो सवाल यही कि वर्ग विशेष की जो राजनीति है, ये जो वोट बैंक है, जो अलग अलग जाति के हिसाब से चलते हैं या फिर राजनेता चलाते हैं, राजनीतिक पार्टियाँ चलाती हैं, आखिर ये कब तक होगा? कब हम समान रूप से, यानी सभी वर्गों को एक समान मान के उन्हें एक तरह से देखेंगे, कब ये सारी चीज़ें होंगी? क्योंकि
हम सवाल इसलिए भी खड़ा कर रहे हैं क्योंकि ये मौका देखकर चौका मारने वाली परिस्थिति है। इलेक्शन टाइम है, प्रेशर क्रिएट करने वाले लोग बहुत हैं और यहाँ ये भी प्रेशर क्रिएट करने की ही कोशिश की जा रही है, वरना ऐसे समय पर जब उपचुनाव हैं अभी क्यों याद आ रहा है इन तमाम चीज़ों को करने के लिए। SC ST वर्ग के जो कलेक्टर हैं वो दो हैं, 53 जिले हैं और उनमें सिर्फ दो ही कलेक्टर हैं, तमाम तरह की सवाल और जवाब और बातें निकल कर सामने आ रही हैं। और फिर से सवाल वहीं आकर खड़ा होता है कि क्या वाकई ये जो एजेंडा या फिर ये प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है ये सिर्फ अजाक्स की तरफ से ही क्रिएट किया गया, SC ST वर्ग के जो संगठन है उनकी तरफ से बनाया गया है, या फिर कहीं और से इस आग को बाहर लाने की कोशिश की जा रही है, तपन दी जा रही है या फिर फ्यूल दिया जा रहा है। कई तरह की बातें हैं, कई तरह के सवाल, और वीना जी ने बताया कि ऐसा आप अभी भी आप देखिए कि मंत्रालय में वल्लभ भवन में कितने कर्मचारी अधिकारी ऐसे बैठे हुए हैं जो SC ST वर्ग से आते हैं। उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह शासन काल में SC ST वर्ग से वर्ग के जो कलेक्टर और कमिश्नर थे 70-80% उन्हें जगह दी गई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है अगर प्रतिभा को तवज्जो दी जा रही है तो उसमें दिक्कत क्या है, और इस एजेंडा को, इस प्रोपोगेंडा को चलाने की पीछे की वजह क्या है, तमाम सवाल। और वीना जी हमारे साथ बनी थी जिनसे हम ये तमाम चीज़ें बात करने की कोशिश कर रहे थे, पाटिल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए थे जिनसे हम ये चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे थे, हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। पटेरिया साहब, जो टॉपिक जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, 40% SC ST आबादी विकास के मामले में बताया जा रहा है अजाक्स की तरफ से और तमाम SC ST वर्ग के संगठन जो हैं उनकी तरफ से कि वो पीछे हैं, इसलिए क्योंकि आपने कलेक्टरों को तवज्जो नहीं दिया और योजनाएं संचालित नहीं हो पाती है ढंग से जो SC ST वर्ग से जुड़ी होती है, उनके हितों से जुड़ी होती है, ये अलग अलग तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, वो भी ऐसे समय पर जब चुनावी मौसम मध्य प्रदेश में 27-28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। आपको क्या लगता है क्यों इस मोटो को, इस एजेंडा को लाया गया सामने? देखिए परोल, जहाँ तक ये अजाक्स जो संगठन है इसकी यदि हम पुरानी गतिविधियों को देखें जी। तो ये लगता है कि जानबूझकर चुनाव के मौके पर इस पॉइंट को रेज किया गया है और कुछ ना कुछ वर्ग संघर्ष की स्थिति को भड़काने की कोशिश के तहत ये मामला दिखाई देता है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल की जिन 16 सीटों पर चुनाव है 2018 के जो विधानसभा चुनाव के पहले वहां पर एक बार वर्ग संघर्ष की स्थिति बन चुकी थी आरक्षण को लेकर, तो शायद उसी मुद्दे को भुनाने के लिए, और जिस तरीके से अभी आपने भी कहा कि कहीं कोई इसके पीछे कहीं कोई हाथ दिखाई देता है कि उसके इशारे पर ये काम किया गया हो, क्योंकि अजाक्स में जो बड़े पदाधिकारी हैं, यदि हम कहें अजाक्स के जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं तो वो मध्य प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव हैं और लंबे समय से वो अजाक्स संगठन के अध्यक्ष बने हुए हैं, उनकी तमाम मांगे सरकार मानती है, और इकलौता ये जो जाति आधारित संगठन है अजाक्स जिसको सरकार ने मान्यता दे रखी है, इसके अलावा और भी कोई ऐसे जातिगत आधार पर अपने संगठन को सरकार की मान्यता नहीं है। यही अजाक्स का एक प्लेटफॉर्म था जिस पर शिवराज सिंह चौहान ने जाकर कहा था कि कोई माइक लाल मध्य प्रदेश से आरक्षण नहीं हटा सकता, जब प्रमोशन में आरक्षण का मामला आया था जिसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के जो आदेश था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। तो इन संगठन ने जब जब जो डिमांड रखी है, चाहे दिग्विजय सिंह की सरकार हो या शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो, सरकारें हमेशा उनकी बात को मानती रही हैं, लेकिन जिस सर्विस में ये बात कर रहे हैं आरक्षण की, वो अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि IAS का चयन भी जो होता है उसमें आरक्षण के आधार पर नहीं होता, जो अंतिम चयन होता है IAS का, IAS की जो सर्विस होती है, जो एलिट सर्विस क्लास माना जाता है, उनको ये सिखाया जाता है कि सभी वर्ग, हर व्यक्ति जो अंत्योदय का जो एक फार्मूला है वो कहें कि हर व्यक्ति की उनके अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति का भी उनको भलाई करनी है, उसके लिए उनको काम करना है, प्रशासन चलाना है ढंग से, इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। यदि हम भोपाल की ही बात करें तो भोपाल में इसके पहले सुदाम खाड़े उसी वर्ग के कलेक्टर थे, तरुण पिथोड़े उसी वर्ग के कलेक्टर थे, तो आमतौर पर ये जो कलेक्टरों में की पोस्टे में कभी ये भेदभाव नहीं किया जाता, जैसे वीणा जी बता रही थी दिग्विजय सिंह सरकार में तो 80% उसी वर्ग के थे, तो ऐसा कभी भेदभाव नहीं होता, लेकिन सहयोग ऐसा अभी हो सकता है कि जिस तरीके से उन्होंने पॉइंट आउट किया है केवल 4 जिलों में SC ST के कलेक्टर है, तो वो ऐसा कभी कोई सहयोग हो सकता है उस वर्ग के लोग प्रमोट होकर सेक्रेटरी लेवल पर चले गए हों ज्यादातर, और जो नया बैच है वो अभी जिला पंचायत स्तर पर हो CO के पोजीशन पे, और वो जब आएंगे तो उनको बकायदा वहां पर दे दिया जाएगी पोस्टिंग। तो ये पहली बार ये पॉइंट रेज किया गया और इलेक्शन के मोड में ये किया गया है, तो ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है और सरकार भी इसको गंभीरता से लेगी और इसको लेकर उनसे सवाल जवाब भी हो सकते हैं। जी फारूक,
सर लेकिन ऐसा समय है जब अगर एक को तवज्जो दी जाएगी तो दूसरा रूट जाएगा, यानी हम वीना जी अगर यहीं टेलीविजन पर ही हम एग्जांपल दे तो वीना जी को अगर तवज्जो दे तो पाटिल जी रूट जाएंगे, पाटिल जी को तवज्जो दीजिए तो वीना जी रूट जाएंगी। तो सर ऐसे में मध्य प्रदेश में फिलहाल जो सरकार है और वो जिस तरह से सिचुएशन दिखाई दे रही है उन्हें संभालना ही होगा, तो उनके सामने क्या विकल्प रहेगा, आपको क्या लगता है क्या करेंगे आखिर? देखिए परोल, मुझे लगता है सरकार इस जो इनका जो चिट्ठी है या इनकी जो मांग है उस पर कोई तवज्जो नहीं देगी, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार या कोई भी राज्य की सरकार या हम केंद्रीय सरकार की बात करें, जो प्रशासनिक नियुक्तियां होती हैं पता जो वो इस आधार पर नहीं होती कि किसी को जातिगत आधार पर उसको रखा जाए। प्रमोशन में आरक्षण एक अलग मामला है, लेकिन ऐसी कोई पोस्टिंग नहीं होती। केवल मध्य प्रदेश सरकार ने एक कदम जरूर उठाया है ऐसी पोस्टिंग का कि वो जिले जहां पर कुपोषण से ज्यादा ग्रसित जिले हैं, जहां पर महिला अत्याचार होता है, वहां की प्राइम पोस्टिंग महिलाओं को देने का निर्णय सरकार ने लिया। ऐसे 7-8 जिले हैं प्रदेश में, और इसके अलावा कहीं कोई जातिगत आधार पर पोस्टिंग ना तो आज तक कभी देखी गई है, ना मुझे ऐसी कोई उम्मीद दिखाई देती कि भविष्य में हो पाएगी। पारुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सर, मैं शॉर्ट में आंसर चाहूंगी। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, हर वर्ग के लोग कांग्रेस में भी हैं, हर वर्ग के लोग बीजेपी में भी हैं। ऐसे समय पर इस मुद्दे को उठाना आपको लगता है आने वाले समय में परेशानियां खड़ी कर सकता है दोनों ही दलों के लिए? क्योंकि अगर व्यक्तिगत तौर पर भी अपने घर में बैठ के लोगों को देखेंगे तो कई चीजें उनके लिए भी अच्छी हो सकती है, कई चीजें उनके लिए भी बुरी हो सकती है सर। बिल्कुल पारो, ये मुद्दा चूंकि मैंने पहले भी कहा कि ये चुनाव के मौके पर उठाया गया, तो जो वर्तमान में जो सत्ताधारी दल है या जो सरकार है उसके सामने तो ये परेशानी का सबब है ही। यदि ये धूल पकड़ता है ये मामला तो सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। आने वाले समय में यदि जैसे मध्य प्रदेश की संभावना, जैसे कमलनाथ दावा करते हैं कि उपचुनाव के बाद उनकी सरकार होगी या कांग्रेस की सरकार होगी उस समय, तब भी यदि ये मुद्दा उठता है तो उस सरकार के लिए भी उतनी ही मुश्किल पैदा करेगा। तो ये कोई भी सरकार रहे, इस तरीके की मांगे जो एलिट क्लास की पोस्टिंग में इस तरीके की मांगे, ये अनुचित है, इसको कभी कभी कोई तवज्जो नहीं दी जाती है, और ये हम परेशानी का सबब बन सकती है क्योंकि जिस तरीके से इन मामलों को लेकर वर्ग संघर्ष बढ़ रहा है। पारुल, बहुत शुक्रिया प्रभु सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक वक्त भी वर्ग संघर्ष की स्थिति बनी थी और उस वक्त भी आपने हालात मध्य प्रदेश में देखे थे, भारत बंद जैसी स्थिति, दलितों का आंदोलन देखा था हमने, और उसके बाद सवर्णों के आरक्षण को लेकर एट्रोसिटी एक्ट, तमाम तरह की परिस्थितियां हमने मध्य प्रदेश में देखी हैं। लेकिन ऐसे वक्त पर इस मुद्दे का निकलकर सामने आना कई सवालों को जन्म दे रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव हैं और एक ऐसे पद को लेकर डिमांड की जा रही है, एक ऐसे पोस्ट को लेकर, पोजीशन को लेकर डिमांड रखी जा रही है कि लगता है कि अगर यहाँ पर भी इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा तो क्या जो जिम्मेदारियाँ कलेक्टर की होती हैं उसे वो पूरी तरह निभा पाएंगे? क्योंकि जब उन कलेक्टरों को पोजीशन दी जाती है, उन कलेक्टर्स को पदस्थापना दी जाती है, तो उनकी प्रतिभा को, उनके काम को देखा जाता है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार हम देख रहे हैं कि 53 जिलों में से सिर्फ 2 ही कलेक्टर हैं, इससे पहले भी कई ऐसे साल हैं जब एससी एसटी वर्ग को विशेष तौर पर ज़्यादा स्पेस मिला है। और तरुण पिथौड़े साहब, हमारे सुदाम खाड़े साहब, इनको क्या भूल गए पाटिल साहब? चलिए, और इसी के साथ विशेष में फिलहाल के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।